वैसे एक बात बताऊं शेर जी, आजकल ऐसी फिल्में ना बनती बिल्कुल, आजकल तो अश्लील फिल्में बनती हैं। अभी देखो सीमा टॉकीज पे बकाबक चल रही है सेकंड हैंड जवानी। बड़ा दिलचस्प नाम हो रहा है यार, सेकंड हैंड जवानी। भैया हमने आज तक जो है सेकंड हैंड कार सुनी है, सेकंड हैंड बाइक सुनी है, सेकंड हैंड जवानी पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अरे मुझे तो बड़ा खुद अजीब लगा था जब मैंने पहली बार ये नाम सुनीता और इलायची के मुंह से सुना था। जा रही थी अपना ऐसा स्कूल जाते टाइम पे बातें कर रही थी, कह रही थी स्कूल से बंक मार के चले जाएंगे। कौन बंक मार रही है स्कूल से भाई? पिंकी जी पूछ रहे हैं। हाँ लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये समाज में जो लग रही है ये अश्लील फिल्में, इन पे कब रोक लगा रहे हो? पहले तो मैं समाज में बीमारी फैलाने वाली सब्जियों पे रोक लगाऊंगा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब ये सब्जी बीच में कहाँ से उखड़ दी? कल रात भिंडी में से इतने बड़े बड़े कीड़े निकले। अच्छा दरोगी? हाँ, कल वो बंटी की मम्मी बाजार से भिंडी खरीद लाई और कहने लगी त्रिपाठी जी आज तो भिंडी का भरवा खाने की इच्छा हो रही, तो हमने कहा ठीक है उसमें क्या, चलो भिंडी बना देते। तो हमने मसाला तैयार किया और मसाला भरने के लिए जैसे भिंडियों को चीरना शुरू किया उसमें से इतने बड़े बड़े कीड़े बाहर निकले। वो तो बंटी बगल में बैठा हुआ था, उसने चौंक के पूछा कि पापा ये क्या है? तो हमने कहा बच्चा डर जाएगा। तो हमने भी कह दिया कि भिंडी प्रेग्नेंट है, उसके बच्चे निकल रहे हैं बाहर। उनसे तो बात ही करना बेकार है। सेठ जी बगल के बाल बना दूं? अरे उनके बना दे, उनके बगल में बहुत खुजली हो रही है। बात कर रहा है बेकार की। हट यार, बात कर रहा है बेकार की। ये हमेशा म्यान से बाहर ही निकले रहते। अरे यार ये बाहर से तीन कशु फिर से निकल गया। मैं तो कह रही थी ना हिंदी वाले सर बड़ा पकाते हैं, उनका घंटा गोल करते, तू ही नहीं मानी। तुझे मालूम है ना ये हमारे हिंदी सर ब्रह्मदेव शर्मा इथेन यानी कि मेरे पापा और मिथेन यानी कि मेरी मम्मी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और कितनी बार मेरी चुगली भी लगा चुके हैं कि आपकी बेटी मेरा घंटा गोल कर देती है। तो 3 से 6 का प्रोग्राम बना लेते ना। बिल्कुल बना लेते हैं, फिर 6 बजे शो छूटेगा और 7 बजे जब हम घर पहुंचेंगे तो इथेन और मिथेन पूरे घर में बुरी तरीके से फैल चुके होंगे। क्या करें यार, एक आधे दिन में तो ना शो निकल जाएगा ये। हाँ सोचती हूँ कुछ। नाइट्रोजन आ रही है। हाय पिंटू। ए हाय पिंटू, सुन मेरे पास ना बहुत बड़ी आइडिया है। क्या? ये लो सेल्फी। ए सुन ना, हम ना हाइड्रोजन नाइट्रोजन को ना अपने साथ सुन दिखाने ले जाते हैं, फिर इथेन और मिथेन थोड़ा कम फैलेंगे घर में। बड़ा ही अच्छा आइडिया यार तेरा, चलते हैं। नो सुन ना, तू जाके अपनी नाइट्रोजन को संभाल और मैं अपने हाइड्रोजन को संभाल के आती हूँ। ए लो सेल्फी। रुक जाओ ना, दो इन्होंने भी ना आज यहीं से निकलना है। नहीं नहीं, हमने आपको नहीं बुलाया। अरे आपने बुलाया तो क्या हुआ, हम खुद ही आ गए। अच्छा जी बताइए, आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं? जी जाजी, हमें आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत? आप ना पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, हमारी भाभी का तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। जी मैं आपकी बात समझा नहीं। अरे भाभी को भी फिल्में दिखाओ, बड़ा मजा आएगा। देखिए इलायची जी, फिल्म दिखाने के लिए पैसे लगते हैं और पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ता है और इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। आपके पैसों का तो कुछ पता नहीं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। मतलब आपके पिताजी मेरी तनख्वाह डकार जाएंगे? देखिए मैं उनकी बेटी हूँ और बेटी होने के नाते मैं अपने पापा की ऐसी बुराई करूँ तो मुझे शोभा नहीं देता ना। मतलब ये कि मैंने आपकी मेरी सुनीता की और भाभी की 4 टिकटें बुक कर दी है, 3 से 6 का शो में बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं इलायची जी, हम नहीं जा सकते, हमें दुकान पे काम है, आप हमें नौकरी से निकलवाएंगे। अरे नहीं, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। अरे मेरे पापा को आप जैसा बुद्धू मेरा मतलब है आप जैसा बुद्धिमान लड़का लालटेन लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। चुपचाप चलो, बहुत अच्छी मूवी है सेकंड हैंड जवानी। सेकेंड हैंड जवानी ये फिल्म का नाम है? नहीं तो आपकी बुआ का नाम है।
देखिए जो फिल्म का नाम सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत ही अश्लील पिक्चर है और आपको शर्म आनी चाहिए। आप लड़की होके ऐसी पिक्चर देखने जा रही है, आपको शर्म नहीं आती? और आप लड़के होके ऐसी पिक्चर नहीं देखने जा रहे तो आपको शर्म नहीं आती? देखिए मिसेस पंचम को ऐसी पिक्चरें देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ तो आप दिखाओगे नहीं तो कैसे देखेंगे बेचारी? इलायची जी हमारी बात एक कान खोल के सुन लीजिए, हम पिक्चर नहीं देखने जा सकते, मतलब नहीं जा सकते, हम अपनी बीवी को बिगाड़ नहीं सकते, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए प्लीज प्लीज। हाँ प्लीज फिल्म देखने तो अब आपके फरिश्ते भी जाएंगे जीजा जी। करना अरे बाप रे बाप, कितनी ठंड चल रही है आज दिल्ली में, इतनी ठंड है, धुंध चल रही है, 12 बज गए लग रहा है, सुबह हो रही है अभी। अरे बाप रे बाप, ओहो ले हीटर मत चलाइयो, हैं गर्मी में चलाइयो, तप तापियो उस पे। इलायची के पापा जरा देखना तो ये साड़ी मुझ पे कैसी लग रही है। मैं इसको कितनी भी कीमती साड़ी पहनाओ मैजी लगेगी। क्या कहा? कहाँ जा रही है साड़ी पहन के? अलीगढ़ जा रही है अपने भाई के? आओ 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 हमसे तो कुछ दिन के लिए तो राहत मिलेगी। मैं ना जा रही कहीं, हम दोनों जा रहे कल फिल्म देखने 3 से 6 की सेकंड हैंड जवानी। क्या बकवास कर रही है तू? इस बुढ़ापे में ऐसी वाहियात फिल्म देखने जाएंगे हैं? बूढ़े हो गए तुम, मैं ना हुई हूँ अभी बूढ़ी, मैं तभी जवान हूँ। कौन से एंगल से जवान है? बाल काले करने से कोई जवान नहीं हो जाता, समझी? अभी जवान हूँ। तुमसे तो आधी उम्र की हूँ ना। ना ना आधी क्यों है, नाबालिग बच्ची है, गोद में लेकर दूध पिला लो उसे। देखो जब तुमने मुझे फंसाया था ना तब तो मैं नाबालिग ही थी। मैंने तुझे फंसाया है या तूने मुझे फंसाया है? तुमने मुझे फंसाया था, तुमने मुझे ऐसे करके आंख मारी थी। बड़ी बेढंगी औरत है, एक आंख मारने में फंस गई। देखो अब तुम फालतू की बकवास करके ना मुद्दा ना बदलो, हम फिल्म जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं। मैं नहीं जा रही हूँ, तू जा, तू देखा जाके जा, बोलचे में लगी है मुझे पता है, जा देखा देखा जा। तब देखने जा रही हूँ। शुरू हो गई। देखो अगर तुम नहीं गए ना तो मैं अपने संजय भैया और अपने छटंकी भैया से कह दूंगी कि तुम मुझे दिन रात मारते हो, मुझे टॉर्चर करते हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। भाग तो मेरे फूट गए, कभी कभी तो गुस्सा आता है कि वो आंख ही फोड़ डालूं जो तुझे देख के फड़की थी। चाय मत बनाइयो, आईने में देखती रही हो अपने आपको, पिक्चर चल रही है सामने हीरोइन खड़ी है देख ले। इधर आ, इधर आ, चाय बना ले, अदरक कूट लियो। लाती हूँ। बाघ उड़ गए इसके। साले तूने सुनीता को फिल्म देखने के लिए हाँ कह दिया? हाँ बोल दिया। अबे यार वो इतने प्यार से कह रही थी कि भाभी जी फिल्म देखनी है, भाभी जी फिल्म देखनी है, तो मैंने भी हाँ कर दी। साले तू ना एक नंबर का गधा है, मुझसे एक बार पूछ तो लेता कि फिल्म जाना है कि नहीं। ओ भाई मैं तेरी बीवी नहीं हूँ जो हर काम तेरे से पूछ के करूंगी, पूछ के करूंगा। इन सब लोगों के लिए तू मेरी बीवी ही है और मैं तेरी एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे एक सुंदर सुशील योग्य औरत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तू हमेशा गंदी डालता है यार। तुझे क्या लगता है कि इलायची जी हमारे पास नहीं आई थी? मैंने भी उन्हें बोल दिया कि हमारी घर की औरतें ऐसी चीजें नहीं देखती, सब गुड़गोपर कर दिया यार तूने। छोड़ यार। छोड़ दिया। मजाक चल रहा है? जीजा जी। अरे यार ये मुसीबत कहाँ से आ गई मैं? ए यार चुपचाप। जी। जीजा जी छत पर हैं? जीजा जी छत पर हैं। जीजा जी कहाँ जाएंगे? अरे वाह भाभी ने हाफ पैंट पहनी है आज। वो हमारे घर पे चलता है, तुम वो कौन सा बाहर जा रही है? हाँ तो मैं भी कुछ थोड़ी ना कह रही हूँ, पहनो यार रोज पहनो, लेकिन वैक्सिंग करा लेनी चाहिए ना। कभी नोटिस किया भाभी के पैर चिपते नहीं? आप यहाँ पर इस समय बेवक्त आई हैं,
कोई मुद्दा? स्टडी करने के लिए और भाभी को थैंक यू बोलने के लिए। अरे कितनी स्वीट है ना भाभी, उन्होंने सुनीता को हाँ के दी फिल्म के लिए, मैं तो बड़ी खुश हूँ। भाभी थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा चलिए। एक मिनट जीजा जी, जीजा ये क्या बात हुई, आपने बताया नहीं कि भाभी को नॉटी फिल्मों का शौक है। ना जी, मैं तो हूँ ही बहुत नॉटी, और मुझे नॉटी मोटी फिल्में भी देखना पसंद है, लेकिन मैं ऐसी फिल्में इनके साथ ही देखती हूँ, है ना जी? हाय हाय, सो स्वीट। जीजा जी तो हमारे साथ ही आ रहे हैं, बड़ा मजा आएगा। देखिए हम नहीं जा सकते, हमें दुकान संभालनी है। क्यों, लुटेरे लूट के ले जाएंगे? देखिए लाइची जी, आपके पिताजी हमें नौकरी से निकाल देंगे, हम नहीं जा सकते। अरे उन्हें कुछ नहीं करना है, बड़ा मजा आएगा, कोई बहाना मार देंगे। देखिए मैं कोई बहाना नहीं मार सकता, 100 बातों की 1 बात, मैं फिल्म देखने नहीं जा सकता, मतलब मैं नहीं देखने जा सकता। और जितनी भी नॉटीनेस है वो मैं अभी कर लूंगा आपकी भाभी के साथ, आप अपने कान में रुई जरूर डाल लेना। जी गुड नाइट। अब पर साले सब तेरी वजह से हो रहा है। चीचा जी, फिल्म देखने तो हम जरूर जाएंगे, वो भी आपके साथ। इलायची कैसी है? दांत तेरी! अरे दिमाग खराब कर रहे हैं यहाँ पे, बैठ के छाती में मूंग दल रहे आए। को भड़क रहे हो लौंडे पे? अरे छोटे जरा मसाज कर दे चेहरे का। सेठ जी तुम्हें तो बहुत मुहासे हो रहे हैं। छोटे लग रहा है, पेट में गर्मी हो रही है बहुत। अरे सेठ जी ये पेट की गर्मी से ना होते हैं, ये तो जवानी की गर्मी से निकलते हैं। अरे छोटे 50 बार कर रहे हैं, बात कर रहा है तू है, अब काई की जवानी काई की गर्मी। सेठ जी मेरी ये ही बात समझ में ना आती कि मर्द अपने आप को 40 साल के बाद अपना बुढ़ा क्यों समझने लगता है, जबकि औरतों का उल्टा है। औरतें अपने आप को 40 के बाद और ज्यादा जवान समझने लगती हैं। बूढ़े हो गए तुम, मैं ना हुई हूँ अभी बूढ़ी, मैं तभी जवान हूँ। सही कह रहा तू, बिल्कुल सही कह रहा छोटे तू। अरे सेठ जी मैंने तो अपनी आंखों से देखे हैं 40+ औरतों के जलवे, ये मुहासा फोड़ दूं क्या? हाँ फोड़ दे फोड़ दे। ये बता तू क्या जलवे देख लिए? अरे कुछ मत पूछो। पहले मैं सेठ जी मेरठ में यहाँ रहता था ना, मेरे घर के ठीक सामने मोहल्ले में एक औरत रहती थी। अच्छा। हाँ। बढ़िया थी, मंदाकिनी की याद दिला गई एकदम वैसी। और उसका पति जो था वो मस्कट में ड्राइविंग करता था। एक मिनट रुक, फिर वो वहां गाड़ी चलाता था। अच्छा। और ये पति की गैर मौजूदगी में खूब धुआं काटती थी पट्टी। क्या बात कर रहा है तू? अरे हिंदी में बात कर रहा हूँ। एक बार तो सेठ जी मुझे भी उसने भोके से घर पे बुला लिया। फिर बता दो, आगे बता यार। हाँ। फिर कुछ नहीं, बस बुलाने के बाद वही सवाल, ऊटपटांग सवाल पूछने लगी मुझसे। कैसे सवाल, वो तो बता दो, छोटे बात करती थी। मुझसे कहने लगी सेठ जी छोटे तूने कभी किसी से प्यार किया है? अच्छा फिर तूने क्या कहा बता दो। मैंने तो बोल दिया, उसके मुंह पे बोल दिया। मैंने कहा मैंने बहुत प्यार किया है अपनी मम्मी से पापा से। हाँ अरे सुना तो, आगे उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर सेठ जी तुम्हें सच बता रहा हूँ बहुत मुआसे हो गए हैं, ध्यान दो। अरे यार तू मुराद है, छोड़ दे बता आगे क्या हुआ, वो तो बता। कुछ नहीं, मैं घबरा गया, मैंने आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने हाथ छुड़ाया और भग गया मैं। भग लिया तू भी यार, कैसे क्या कर रहा था तू भी यार, है अजीब पंछी है यार तू भी। ये मुआसा फोड़ दूं? अरे फोड़ दे यार, सारे फोड़ दे, अब कुछ रह ना गया। मुझे एक बात बताऊं सेठ जी, जो औरतें ऐसी वैसी फिल्में देखती हैं ना, कसम से कह रहा हूँ उन्हीं को सबसे ज्यादा मस्ती चढ़ती है। अच्छा सेठानी भी देखती है ऐसी वैसी फिल्में? अरे क्या बकवास कर रहा है तू, सेठानी भी देखती है ऐसी वैसी फिल्में? सेठानी भी देखती है, कुछ बोलना तो पहले को सोच लिया कर, बात कर रहा है बेकार की। अरे ये उम्र सेठ जी बड़ी चंचल होती है,
अभी रमेश भुर्जी की औरत को देख लो, उसको इतना शौक था पिक्चर हॉल में जा जाके पिक्चर देखती थी। एक दिन वहीं की टिकट ब्लैक करने वाले लौंडे के साथ भग गई। भाई किसकी औरत किसके साथ भगली? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो स्वेटर बुनिए, भिंडी बनाइए, रायता बनाइए, आटा गूंदिए। इससे आपके गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं? मेरे गुर्दे इसलिए लाल हो रहे हैं क्योंकि आजकल औरतें जो है टिकट ब्लैकियों के साथ भाग रही हैं, इसलिए लाल हो रहे हैं। क्या आपकी औरत भागली? अरे मेरी औरत क्यों भागेगी, बात कर रहे हो? तो जब भाग लेगी तो बोल देना हमें, हम ढूंढ देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रिया हो बना यार। अरे छोटे चाय भेजे मलाई मार के, पैसे कर ले लियो। इलायची, ओ इलायची, इलायची, ओ इलायची, इलायची उठ। मैं क्या कर रही हूँ सुबह सुबह? अरे वो सोफे पे तेरी जुराबे रखी हैं। मेरे होंगे। ओहो तो अपनी चीजें ठीक से क्यों नहीं रखती है? कोई चीज यहाँ पड़ी है तो कोई चीज वहाँ पड़ी है। अरे क्या सुबह सुबह परेशान करती रहती हो मम्मी, खुद भी रख दिया करो ना कभी। अच्छा तो तेरे ससुराल में भी मैं ही आऊंगी। मम्मी यार वहाँ क्यों आओगी, वहाँ मेरा पति होगा ना। बस बातें करा लो इससे तो। ओहो अरे अरे पिट्टू, अरे पिट्टू क्या कर रहा है साले, अबे क्या कर, क्या कर रही है पिंटू, प्लीज बहुत जोर से प्रेशर, पिंटू प्लीज पिंटू दरवाजा खोलो, प्रेशर आ रहा है। देखो जी प्रेशर हो या थ्रेशर, जब तक आप फिल्म दिखाने के लिए हाँ नहीं करोगे मैं बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा तो ये सब फिल्म देखने के कारण हो रहा है? हाँ। मेरी बातें कान खोल के सुन लो पिंटू। मैं तुम्हारे साथ कोई पिक्चर विक्चर नहीं देखने वाला। अच्छा अगर फिल्म देखने नहीं जाओगे तो बाथरूम भी नहीं जा पाओगे। बाथरूम तो मैं जाके रहूंगा, यहाँ नहीं तो कहीं और से, मर जा। पिंटू मर जा साले। अरे जीजा जी। अरे बस। अरे इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या है ये लोटा, लोटे में क्या है, पानी, क्या लग रहा है आपको? जूस पीने जा रहा हूं मैं। चलेंगी आप? शौच करने जा रहा हूं। अरे अरे क्या क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती अब खुले में शौच करने जा रहे? अरे पता है कितना बड़ा कानून अपराध है ये, ऐसे आप कानून की बेइज्जती नहीं कर सकते। नहीं 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 ये कांड नहीं करने दूंगी ना, नहीं जा सकते आप। इलायची जी मैं कोई कांड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपने पास वाले शौचालय में जा रहा हूँ। हाय राम, शौचालय जाओगे? इतना बढ़िया शौचालय अपने घर में बनाया, बाहर क्यों जाओगे? आपके घर के शौचालय में मेरी बीवी है जो पिछले आधे घंटे से हल्की हो रही है। हो रही हो रही हो रही हो रही हो गई। आपको हंसी आ रही है आपको? देखिए मुझे जाना है प्लीज। शर्म ही नहीं आती है, जाने जाने कहाँ जाना है, ऐसे नहीं जा सकते। शरीफों की तरह बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं जाओगे, ये हमारे पापा की इज्जत का सवाल है, समझे? हमारा शौच करना और आपके पापा की इज्जत, इसका क्या संबंध है? अरे जीजा जी संबंध सिर्फ पापा का नहीं है बल्कि हमारे पूरे खानदान का। अरे पता है आपको हमारे खानदान में ना कोई ऐसे बाहर शौच करने नहीं गया आज तक। अरे हम आपके खानदान से नहीं है ना, पर तो क्या हुआ, ये तो हो जाओगे ना। ये क्या बात हुई? अब देखो बात ये हुई कि आप हमारे यहाँ काम करते हैं, है कि नहीं? अरे फिर बाहर चलते रहा चलते लोग हमारे पापा को भिगो भिगो के ताने मारेंगे कि देखो अपने मुलाजिम को ना बाहर शौच करने भेज देते हैं, शौचालय नहीं बना सकते। नहीं ये कलंक हम लेके जी नहीं सकते। सुनीता हम, अरे
सुनीता तू ही अभी तो भाग गए रीना जी, लेकिन कब तक ऐसे भागोगे? फिल्म देखने तो आपके मासा जी भी जाएंगे। मासा जी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.